सो हे गेमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आ चुका है WCC 3 गेम के अंदर न्यू अपडेट, और इस न्यू अपडेट में गाइस आपको T20 वर्ल्ड कप स्पेशल बहुत सारे फीचर्स मिलेगा। तो इसका फुल रिव्यू करके मैं आपको दिखाऊंगा कि गेम के अंदर इस अपडेट के बाद क्या कुछ चेंजेस हुआ है, क्या कुछ न्यू हिडन फीचर्स ऐड हुआ है, क्या कुछ स्पेशल फीचर्स ऐड हुआ है, और गेम प्ले में सुधार आया है या नहीं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में रिव्यू करके बताऊंगा इस न्यू अपडेट का, जो कि हाल ही में WCC 3 गेम के अंदर निकल कर आया है। अपडेट देखकर तो काफी बढ़िया लग रहा है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप स्पेशल अपडेट है। तो देखते हैं गाइस रिव्यू करके क्या कुछ आपको न्यू फीचर्स देखने को मिलता है इस गेम के अंदर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को दबा के लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर दबा के रखना न्यू वीडियो को हमेशा सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरे प्ले स्टोर पर अपडेट शो कर रहा है, लगभग 700 MB से ज्यादा आपको अपडेट करना पड़ेगा। और इस अपडेट का जो वर्जन निकल कर आया है 1.4.7, और इस अपडेट में आपको देखने को मिलता है न्यू मोड वर्ल्ड कप T20 2022 का। उसके साथ साथ आपको न्यू एक्सक्लूसिव गेम एनिमेशन देखने को मिलेगा, AI में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, उसी के साथ साथ काफी सारे और भी चेंजेस देखने को मिलेगा। गेम प्ले में भी सुधार आया है, कंपनी ने यहाँ पर मेंशन किया है। तो अभी देखते हैं गेम को अपडेट करके, गेम प्ले करके, कि गेम के अंदर सच में यार गेम प्ले में सुधार आया है और न्यू जो एनिमेशन वगैरह आया है ये कैसा देखने में लगता है। तो गाइस जैसा कि देख सकते हो कि मैंने गेम को अपडेट कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप 2022 का लोगो आ चुका है। यहाँ पर मैंने सिंगल एंट्री कर लिया है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद जो गेम का एनिमेशन है वो देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। गेम का एंट्री इस तरह से होगा तो गेम खेलने में तो बहुत ज्यादा मजा आएगा ना। तो जैसे कि देख सकते हो वर्ल्ड कप में एंट्री करने के लिए आपको कुछ इस तरह से एनिमेशन को दिखाया जाएगा। काफी मस्त लग रहा है कि आपको इस तरह के एनिमेशन गेम के अंदर डाला है, जो कि देखने में काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। यहाँ पर गाइस क्राउड भी काफी ज्यादा रियलिस्टिक बनाया गया है गेम के अंदर। इस तरह से आपको गेम का एनिमेशन दिखाया जाएगा, प्रेजेंटेशन इस तरह से होगा कि आपको गेम खेलने में और भी ज्यादा एनर्जी फील होगा। तो एनिमेशन कार्टसिंस की बात करें तो भरपूर यहाँ पर ऐड किया है कंपनी ने, जैसे कि देख सकते हो वर्ल्ड कप T20 2022 जो कि फाइनली WCC 3 गेम के अंदर इस अपडेट करने के बाद आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे डिसअपॉइंटेड बात यह है कि न्यू जर्सी आपको देखने को अभी नहीं मिला है। तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपको न्यू T20 ऑफिशियल जर्सी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इस अपडेट में आपको कोई भी जर्सी न्यू देखने को नहीं मिला है। तो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटेड बात तो यह है। लेकिन गाइस एक खास बात है कि WCC 3 गेम के अंदर स्टेडियम आपको सारे के सारे मिल जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी सारे स्टेडियम है जहाँ पर एक्चुअली में T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसको आप यहाँ पर उस स्टेडियम में ही खेल सकते हो। तो ये सबसे अच्छा बात लगा कि स्टेडियम आपको सारे के सारे देखने को मिल जाता है। लेकिन डिसअपॉइंटेड बात ये लगा कि यहाँ पर गाइस आपको न्यू जर्सी देना चाहिए था कंपनी को, अभी जितना भी जल्दी हो सके इसका न्यू जर्सी, यानी कि जो टीम इंडिया अदर्स टीम है उसका न्यू जर्सी ऐड कर देना चाहिए। उसी के साथ साथ एक और डिसअपॉइंटेड बात ये लगा कि स्क्वाड को भी अपडेट नहीं किया है कंपनी। ऐसा क्यों यार, इतना समय लिया स्क्वाड को तो अपडेट करना चाहिए ना, तो अभी तक स्क्वाड को अपडेट नहीं किया है कंपनी। ये एक और डिसअपॉइंटेड बात लगा, जर्सी के साथ साथ आपको स्क्वाड भी न्यू नहीं मिलता है और गेम प्ले में उतना बड़ा डिफरेंट भी नजर नहीं आया। तो एक्चुअली में जो गेम प्ले था उसके जैसा ही है, बस छोटे मोटे चेंजेस आपको मिलेगा। तो गाइस जब आप WCC 3 गेम के अंदर बॉलिंग करते थे तब आपको एक ऑप्शन मिलता था कि आपको व्हाइट लाइन में डालना है, तब आपको स्पेशल डिलीवरी का ऑप्शन मिलता था। लेकिन आप क्या है कि आपको स्पेशल डिलीवरी हर बॉल में करने को मिलेगा, यानी कि कंपनी ने स्पेशल डिलीवरी को परमानेंटली फिक्स कर दिया है कि आपको सब बॉल में देखने को मिलेगा। तो आप सब गेंद के अंदर स्पेशल डिलीवरी का मजा ले सकते हो, तो ये एक बड़ा चेंजेस है। उसी के साथ साथ गाइस काफी सारे न्यू बैटिंग शॉट इस गेम के अंदर डाला है। आप इस गेम के अंदर जब बैटिंग करोगे तो काफी सारे न्यू बैटिंग शॉट, बैटिंग स्टाइल आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा था। तो यही छोटे मोटे चेंजेस है, बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं है। मैंने एक्सपेक्ट किया था इतना समय लिया तो कुछ बड़ा चेंजेस के साथ आना चाहिए था, और गेम के अंदर बहुत ज्यादा बग्स है गाइस। कभी कभी गेम प्ले करते करते क्रैश हो जाता है, कभी कभी गेम स्टार्ट नहीं होता है, तो ऐसा काफी सारे दिक्कत का सामना मुझे करना पड़ा है। ये जो T20 वर्ल्ड कप है ये स्टार्ट ही नहीं होता है, स्टार्टिंग में ही रुक जा रहा था, तो ऐसा भी काफी अभी बहुत बड़े बड़े क्रैश देखने को मिला है इस गेम के अंदर। तो इस कंपनी को जल्द ही एक अपडेट लेकर आना चाहिए, और जो स्क्वाड अपडेट है जो न्यू जर्सी है इसको दे देना चाहिए, और गेम के अंदर जो भी बग्स आ रहा है इसको फिक्स करना चाहिए, और कैमरा एंगल वगैरह थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए ताकि गेम प्ले करने के टाइम और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगे। तो मेरा तो ये सजेशन है कि ये जो अपडेट है बहुत ज्यादा खास अपडेट नहीं है, लेकिन एक छोटा अपडेट है, और उसके साथ साथ T20 वर्ल्ड कप का एनिमेशन को मर्ज करके आपको प्रेजेंटेशन किया गया है इस न्यू अपडेट। तो गाइस आप लोग मुझे बताना आपको अपडेट कैसा लगा। मुझे तो बहुत ज्यादा खास नहीं लगा, मीडियम एवरेज आप इसको मान सकते हो। और हाँ गाइस, ऐसे ही न्यू तरह के वीडियो मेरे चैनल पर आने वाला है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सब्सक्राइब
जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय।